रखी सब भक्तन की, जीत लही है जंग। सो लाज रखी सब भक्तन की, जीत लही है जंग। शासन रावण की लंका तुमने जारी। श्री जनक सुता को पतों की ओर समुद्र मधुबाई, और प्रभु राम के संग में तुमने सारी सेना मारी। और प्रभु राम के संग में तुमने सारी सेना मारी। सपने शीश झुकाए और मात अंजनी के लालन को सपने शीश झुकाए। महाबल तारी बजरंग का तेरे सुनो बजरंग बाला, महाबल धारी बजरंग तेरे सुनो बजरंग बाला। तुम लता की लाज रखोगे, महावीर बजरंग बली भक्तों की लाज रखोगे। करें पे आए
से भूले आ जाइयो मेरे ले लई शरण तुम्हारी ओ बाबा आ जाइयो मेरे ले लई शरण तुम्हारी ओ भोले आ जाइयो मेरे ले लई शरण तुम्हारी। तो देखिए आपके बीच में लेकर के चलते हैं विशेष मांग पर राजा हरिश्चंद्र की कथा शास्त्री लता यादव की आवाज में आप श्रवण करोगे। और एक त्रशंकु के पुत्र हैं जिसका नाम है हरिश्चंद्र, बड़े ही दानी थे, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। और क्या वो नीति पान भूपाल सुनाओ आला के सुनो यारी और घरा में बेटा ये कहे के तारा बतसी नानी बेटा ये करे के तारा बतसी रानी और वो चले धर्म के साथ सुनो हरि नाथ की कथा यगारी के कथा यगारी राजा की करत बढ़ाई रे सब नगर के नर नारी राजा की करत बढ़ाई रे सब नगर के नर नारी राजा की करत बढ़ाई रे सब नगर के नर नारी। जैसे ही देखने लगे सब बढ़ाई करने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र की और रानी तारा पुत्र का नाम रोहताश है, पतिव्रता नारी है। भक्तों महाराज हरिश्चंद्र जब धर्म के नाम पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे तो धर्म में इन्हें अपने मन में कोई चिंता नहीं, परमात्मा का चिंतन करने लगे। इनके दरवाजे पर जो भी मांगने के लिए आता है वह लेके ही जाता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। और क्या और सौ सौ को सनी राजा की हाई उड़ रही है कशबोई सम्मान होने लगा। और जब आदर सत्कार करते हैं और आगे राजा हरिश्चंद्र बढ़ने लगे हैं तो सभी जय जयकार करते हैं राजा की, लेकिन
एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ उनके पास में विश्वामित्र जी आकर के बैठ गए, तो दोनों आपस में बातें करने लगे। तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, सुना जाता है कि तुम्हारा चेला हरिश्चंद बहुत आगे बढ़ रहा है, यहां तक सुना है कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है। तब वशिष्ठ ने घमंड भरी बात कहा और कहते हुए कहा, देखो मुझे नाज है इस बात पर कि वो मेरा चेला है और 100 नहीं हजारों अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। ये तो बात अच्छी नहीं लगी विश्वामित्र को और क्रोध आ गया और विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ रात और दिन को एक समान मत मानो, ये तो मैं जानता हूं कि हरिश्चंद दानी है लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम खुद समझते हो। बात केवल ये है कि सत्य होता है प्रत्य होता है पर सीमा सबकी रहती है और सावन भादों के दिन पाए क्या नदियां भी चढ़ के बहती है। भातों के दिन पाई क्या नदियां भी चढ़ के बहती है। और वशिष्ठ सुनो, सोने का खूब चमकता है नहीं, अब खबरदार खा मोसरा हो क्या उस राजा की जांच नहीं। अब खबरदार खा मोसरा हो क्या उस राजा की जांच नहीं। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारी नजर में दानी है लेकिन मेरी नजर में नहीं। इसी बात में विवाद बढ़ गया, दोनों ने पक्षियों का स्वरूप लिया लेकिन पता नहीं कर पाए। तब वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, देखो क्या करूं। तब विश्वामित्र बोले, गुरु वशिष्ठ से देखो तुम्हारे चेला की मैं परीक्षा लेकर के देखूं का देख लीजिए, जो आपको उचित लगे वैसा समझ लीजिए। तो विश्वामित्र ने उसी समय अपने भेष को बदल करके और चल करके गए के लीनो भेष छुपाई चले हरसाई न तेरा लगाई और शुगर बन के बगिया में के पहुंचे बाबा जाई। पहुंचे बाबा आई और अरे भेष छुपा विश्वामित्र ने नाही पलकी करी अबार और प्यारी सी फुला पारी बगिया कोई सुगर में तैयार बिगाड़े
बगिया कोई शुगर ने तैयो जाड़े और के भैया होना हार बलवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है भैया हो भैया हो नहार बलवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है एकदम से विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए और शुगर का स्वरूप बनाया और बनाकर के एकदम से उस बगिया में आ गए और चारों तरफ से बगिया को उजाड़ने लगे। माली सोने में लगा है और जैसे ही माली सोने में लगा है तो एकदम से और मालिन ने माली से कहा, देखो तुम सो रहे हो, अरे जागो, पूरी बगिया का नाश कर दिया। माली बोला मुझे सोने दे। तब मालिन ने क्या कहा कि अरे दीनो बा उजाड़ी रे सरकारी पिया सब पूरी बगिया का नाश कर दिया, सब उजाड़ दिया।
माली ने कहा, यहाँ क्या हो गया? का देखो तो सही। माली एकदम से जागा और जाग करके देखा तो सारी फुलबारी उजड़ी पड़ी हुई है। माली ने कहा, ओहो गजब हो गया, अब क्या करूं? एकदम से उसने लाठी उठाई और जैसे ही देखते हुए और लाठी को लेकर के चारों तरफ घूमने लगा बगिया में। तब तक ये देख करके और एक बरहा निकल करके आया और जैसे ही बरहा निकल करके आया तो दाव देख करके और माली के दोनों टांगों के बीच में होकर के निकला और जैसे ही निकला तो एकदम से उसकी जंघा को फाड़ दिया। माली गिर पड़ा और ये देखते हुए गिरता हुआ और खड़ा होता हुआ राजा हरिश्चंद्र की सभा में माली चल करके आया और जैसे ही आया तो राजा हरिश्चंद्र की सभा लगी हुई। तब हाथ जोड़ करके विनम्र शब्दों में और माली ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज अमर रहे गद्दी सदा मेरा अन्नदाता सरकार, और द्वाई श्री महाराज की आए सुनियो मेरी पुकार। श्री महाराज की कोई सुनियो मेरी पुकार। महाराज देखो तो सही, ये क्या हो गया? और माली ने कहा, सुनियो मेरी पुकार, गजब भयो भारी, सुनियो मेरी पुकार, बाग में गजब भयो भारी, एक शुगर ने आई उजाड़ी सबरी फुलवारी, और चौतरफा की रोश फोड़ी तई तोड़ी सब तरकारी, चौतरफा की रोस फोड़ी तई तोड़ी सब तरकारी, और मैं बिड़ार बे गयो कि मेरी ये हालत कर डारी, मैं बिड़ार बे गयो के मेरी ये हालत कर डारी, ए माली ने कहा, देखो जब मैं गया तो मेरी ये हालत कर दी, अब मैं क्या करूं महाराज बताओ, चला भी नहीं जाता, क्या करूं? राजा हरिश्चंद ने कहा, माली अब तो ये समय नहीं है, क्योंकि संध्या का समय हो गया है, इस समय किसी जीव को सताना ये अच्छी बात नहीं, क्यों कि आन हुआ संध्या समय जा माली निज धाम, इस दम जीव सता होना सो महापाप का काम।
इस समय जीव को सताना नहीं चाहिए, लेकिन हम प्राप्त काल होते ही अवश्य देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो एकदम से देखा और माली चल करके गया, तब प्राप्त काल होते हुए और राजा हरिश्चंद्र ने पूरी प्रजा के लोगों से कहा, देखो ऐसा है, आप मेरी बातों पर ध्यान दो। सेना ने कहा, महाराज क्या बातों पर ध्यान दे बताओ। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो सब जाकर के देखने लग जाओ और कहने लगे, देखो अरे सबई वहां पर देखे तारे और राजा रहे बहुत किसी आए और जाकाऊ के रे ढींगा से निकले ताको फांसी तो लगवाए। और जाकाऊ के रे ढींगा से निकले ताको फांसी तो लगवाए। लेकिन विश्वामित्र जो शुगर बनकर के बगीचे में है, मन में सोचा कि मैं किसी और के आगे होके क्यों निकलूं, ऐसा ना करूं कि मैं राजा हरिचंद के आगे होकर के निकलूं और ये राजा के ही ढिंग से निकलो शंका मन में खाई रहना है और घोड़ा लेके पीछे भागे हंटर को पीछे भागे हंटर वो तो रहे जमाए। देखा और एकदम से किसी और के आगे होकर के नहीं निकला। क्यों? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर किसी के सामने होकर के निकल गया, अगर नहीं मार पाए तो मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो मन में सोचा कि किसी और के आगे क्यों, मैं राजा हरिश्चंद के आगे होकर के क्यों ना निकलूं। तो एकदम से और निकल करके गया तो सब चिल्लाने लगे, महाराज ए गया, महाराज ए निकल गया। लेकिन जैसे ही राजा हरिश्चंद पीछे दौड़ लगाने लगे हैं और जब दौड़ लगाने लगे तो एकदम से और देख करके और क्या किया, अरे ये गति देखी जब शुगर ने राजा पीछो रहे दबाए। अरे इतमे शुगर ब्राह्मण बन के अपनी लीला रो दिखाए। अरे इतमे शुगर ब्राह्मण बन के अपनी लीला रो दिखाए। अरे पढ़ के राजा चलो यकारी पंचो सुनियो ध्यान लगाए और ब्राह्मण बन के नजर पड़ोए भोर नदियों जन शीश नवाए। बन के नजर पड़ो है फौरन दियो जन शीश नवाए। ए आज भक्तों ब्राह्मण नजर आए, महाराज ने घोड़ा को रोक दिया और ब्राह्मण को प्रणाम किया और क्या बोले, हे ब्राह्मण देव कि बतलाओ तुम बाग में कब से गए हो आए, नजर आपकी मैं सो कोई बरहा पड़ो लगाए। बोलो आगे से आपकी कोई बरहा निकलाए क्या? ब्राह्मण देव ने कहा नहीं, अरे मैं तो
काफी समय से हूं, लेकिन मेरे सामने तो कोई परहा नहीं गुजरा। तब कहा, देखो मुझे लगता है कि यहां से गुजरा है, कि दो घंटे आए हुए इसी जगह नर नहा, और हमने तो देखा नहीं या पर कोई परहा। राजन, अरे दो घंटे हो गए, तुम इसी समय की बात कर रहे हो, लेकिन हमने तो कोई नहीं देखा। राजा हरिश्चंद बोले, क्या करूं, यही होकर के निकला है, लेकिन देखते हुए। और ब्राह्मण देव ने भ्रम में पार दिया। आज भ्रम में पड़ जाते हैं, कहा राजन देखो क्या करूं, चलकर के आया हूं, बड़ी आश लाया हूं। तब राजा हरिश्चंद ने कहा, देखिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो, कि तुम्हें क्या चाहिए, कि जो चाहो सो मांग लो, ध्वजवर दीन दयाल, सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं सो पूरा करूं सवाल। अरे तुम्हारी जो आज्ञा हो सो मांग लीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा, राजन जो मांगूंगा वो मिलेगा। तब महाराज हरिश्चंद ने कहा, देखो क्यों नहीं, मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा, मेरी एक बात है। बोले क्या बात है। कहा देखो, कि जो सादे तोड़ी प्राण दऊं छोड़ी न पिलम लगाऊं। राजन, नहीं दे तेरा बाचा मोई रे कहूं सो राजा पाऊं। को तोड़ दिया तो क्या होगा, जो आशा दे तोड़ी प्राण दऊं छोड़ी न बिलम लगाऊं, न बिलम लगाऊं, नहीं ते तेरा बाचा मोई रे कहूं सोई राजा पाऊं। कहा देखो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरा ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा है, लेकिन तीन वचन भर के कहो कि आप मुझे दे सकते हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए। कहा देखो, मैं त्रिवाचा भर के कहता हूं, दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब कहा एकदम से, कि मुझ पर है कौन सा जो प्रभु को पसंद आई है, श्रीमान बस उसी का संकल्प लो कराई है। देखो सुनो, मैं क्या चाहता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो। जब इतना कहा कि हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, संकल्प उसी का कर कमी बस थोड़े दाम की है। अरे उसी का संकल्प आप कर दीजिए। राजा हरिश्चंद चक्कर में पड़ गए और कहने लगे, कुंजी लगाम की, अरे तुमने क्या मांगा। और राजा हरिश्चंद ने कहा, कि आए हो मांगने पर मांगना ना जानो, आए हो मांगने पर मांगना ना जानो, घर चलो अशंक की धन लो, कहना हमारा मानो। बोलो
चलो। तब कहा देखिए, जैसे कि यज्ञ जप तप सब राम नाम में है, वैसे ही वैभव कुंजी लगाम में है। दो तो सही। तब कहा ठीक है, आप जो मांग रहे हो ठीक है, आप आपकी राजी है, आपको जो अच्छा लगे वैसा ले लीजिए। और कहा ये आपकी राजी है, चाहे सो आप लीजिए, ये आपकी राजी है, चाहे सो आप लीजिए, कुंजी लगाम का ही संकल्प करा लीजिए। महाराज मैंने कुंजी लगाम का संकल्प कर लिया। अब कहा सुनो, तब ब्राह्मण देव ने कहा देखो, जैसा मैंने सुना था वैसो ही पायो तोय, जैसा मैंने सुना था वैसो ही पायो तोय, अब आचार भर दक्षिणा दीजिए भूप भर मोय। देखो तुमने कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया, अब दक्षिणा में क्या देना चाहते हो वो मुझे सम्मान के साथ दे दीजिए। जैसा मनमाना लिया मांगो अपना दान, तैसे ही मांगो दक्षिणा दू सहित सम मान। क्या चाहिए बोलो। तब कहा देखो, दीजिए दीजिए 60 भार सोना है, ऐसे महादान में से कमती जरा भी न होना है। तब कहा देखो, लीजिए लीजिए दऊ 60 भार सोना है, चलो बता दू खजाने का एक एक कोना है। बोलो, जब इतना कहा तब ब्राह्मण देव ने कहा चल हट, मैंने पहले ही कहा था कि तुझे क्या देना है और भूल भी गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं भूला नहीं हूं, चलो मेरे घर। ब्राह्मण एकदम से आंखें लाल कर कहने लगे, राजन अरे ए तुम भूल गए, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं। और कहा कि ओ अज्ञानी भूप बचन तू मेरो सुन लियो, अब जो कछु जो बोले बचन अब फिर मती कहियो, और लगाम ये तारी गहाई है, लगाम ये तारी गहाई है, और धन दौलत ये सकल संपदा मेरी है जाई, और एकदम से ब्राह्मण देव ने कहा सुनो अरे नहीं कछु तेरा साजा है, और मैं राजा बन गया नया गायब तू राजा है, अरे कर्ज अब तुझे चुकाना है, अरे कर्ज अब तुझे चुकाना है, अरे तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं मेरा भया खजाना है। और राजन सुनो, अरे भूप हम मांग रही है भिक्षा, अरे भूप हम मांग रही है भिक्षा,
और अब तो हमको दे छिड़ा क्या तेरी इच्छा, यारो अब तो हमको दे छिड़ा क्या तेरी इच्छा। कहा देखो, तुमसे पहले कह दिया था अब इस खजाने में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए खजाना सब कुछ मेरा हो गया। यहाँ के राजा तुम नहीं, यहाँ का राजा मैं हो गया हूं, इसलिए जो भी दक्षिणा है वो दक्षिणा में दीजिए, इसमें तुम्हारा कोई साझा नहीं है। जब इतना कहा तो एकदम से राजा हरिचंद मस्तक पर हाथ रख करके बैठ गए, कहने लगे हे भगवान ये क्या हुआ। और बोले ये सुन विप्र की बात के मन घबरात सोचो भयो भारी, अरे करता काय बरच दई रे मोपे के तक कहीं नहीं जाई। अज्ञा मोकू दे दियो रानी से पूछे जाई, अब अज्ञा मोकू दे दीजो रानी से पूछे जाई। हाँ देखो मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं अपनी रानी से तो पूछ लूं। जब इतना कहा तब ब्राह्मण देव ने कहा हाँ हाँ जाइए। तब आज्ञा लेकर के राजा हरिश्चंद ब्राह्मण देव से और अपने महलों के दरमियान चल करके आ रहे हैं। तब देखा कि अब राजा महलानी पूरे जाई, अब राजा रे महलानी को जाई, जाकी एक समझ नहीं आई, जाके मन मेरे चिंता छाई, समझ नहीं आई, ओ मेरी एक समझ नहीं आई। राजा हरिशन आज सोचते हुए और अपने महलों की तरफ आए, जैसे ही महलों में घुसे हैं इधर में तारावती इंतजार कर रही थी पिया का, और जैसे ही इंतजार करती हुई तब तक राजा हरिशन को दरवाजे पर आते हुए देखा तो मन में सोचने लगी कि आज तो बड़े उदास हैं, क्या बात है। अरे झुकाई रे दौड़ी झपट कर अपने पति को पलंगा दहो बिछाई रे,
बाबत कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई बदन रहो तुम मिलाई रे तुम जो दुखी दुखी हम पहले क्यों तुम बोलत नहीं रे अरे इतने बचन सुनिया रानी के राजा की हिलकी रे बन जाए अब कहा बताऊ प्राण प्रिय अब मो पे के कहीं न जाए अब कह बताऊ प्राण प्रिय अब मो पे के कहीं नहीं जाए और क्या बोले राजा हरिश्चंद्र रानी सुनो के अब तो रोई रोई राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है कहे के प्यारी दुनिया लुट गई है दुनिया लुट गई है दुल्हनिया दुनिया लुट गई है हो अब तो हाँ अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है से और एकदम से राजा हरिश्चंद्र कहने लगे क्या बताऊं तब रानी आंखों में आंसू भर लाती है और बोली महाराज बताओ ना क्या हुआ अरे क्या बात है अरे जब तुम दुखित हो तुम्हारे मन में कोई शंका है तुम दुखी हो दर्द है तो तुमसे पहले मैं दुखी हूं बता दीजिए क्या बात है जब रानी तारा ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे क्या बताऊं प्रिय मेरी समझ में कुछ नहीं आता रानी तारा ने कहा नहीं महाराज बताओ क्या बात है तब राजा हरिश्चंद्र बोले रानी सुनो इच्छल करके एक विप्रनी आई मुझे छल लिया छल करके एक विप्रनी है मुझे छल लिया बाप करवाया संकल्प शब आये राज पाट धन दाम कहने लगे राजा हरिश्चंद्र रानी मेरा सब कुछ चला गया अब मैं क्या करूं कर पाया संकल्प प्रिय तब राज पाट है धन को हाँ फिर दक्षिणा में मांगा साटे भार स्वरण को दक्षिणा में मांगा है साटे भार स्वरण को और रानी
मैं क्या करूं, पास न मेरे छी दाम के कैसे पूरा करूं बचन को। हाँ शतवंती शत छोड़ू रीतो दाग लगे पुरखन को। शतवंती शत छोड़ू तो मेरे दाग लगे पुरखन को। हे प्रिय अब मैं क्या करूं, 60 भार स्वर्ण दक्षिणा में मैं दे चुका हूं, राजपाट को मैं पहले दान में दे चुका हूं, अब 60 भार सोना मैं कहां से लाऊं। जब इतने शब्द सुने हैं तो तारावती आज खड़ी हो जाती है और बोली, नाथ आप रोइए मत, चलो अरे राजपाट धन दौलत सब दान में दे दी, अब हम तो हैं, यद तुम्हारे किसी काम आ जाए तो यही हमारे लिए अच्छा है महाराज। चलिए नाथ मुझे बेच दो और मेरे लाला को बेच दो। प्रिय क्या करूं, तब कहा महाराज आपको रकम विप्र की चुका दीजिए। आज भक्तों इस प्रकार से रोहतास से पूछा तो वही जवाब रोहतास ने दिया, पिताजी मां जो भी कहती है वो सच है। चलो आज इसी प्रकार से तीनों प्राणी और आगे आ गए और क्या बोले, जो ब्राह्मण देव ने महाराज ने कहा कि चलो हमें बेच दीजिए, इतने शब्द सुने तो क्या हुआ, एकदम से ब्राह्मण देव गुस्से में आ गए और आंखों को लाल करते हुए गुस्सा में जवाब दिया, अरे गुस्सा होकर मुनि बरा बोले भूपति सुन ले रे कान लगाए, अरे कौन जगे हम तुमको बेचे पूरी जमी तेरी रे कहलाए। अरे गुस्सा होकर मुनि बरा बोले भूपति सुन ले कान लगाए, अरे कौन जगे हम तुमको बेचे पूरी जमी तेरी रे कहलाए। स्वामी शंकर जी ने बोतिए बसाए, अब है त्रिशूलनो कया भारी शंकर रचना दिए बनाए। हाँ हमको बेचो करज चुकाओ हमें तुम्हें साप बतलाए, ये धन्य धन्य मुनि पर तब बोले धन्य तेरी अकल कहाए, चलो वही पर तुमको बेचू अपना लूंगा मैं कर्ज चुकाए। आज इसी प्रकार से और देखा और कहने लगे, ये धन्य धन्य मुनि पर जवाब बोले धन्य तेरी अकल कहाए, और चलो वही पर तुमको बेचूं अपना लूंगा मैं कर्ज चुकाए।
जैसे ही देखा तो एकदम से ब्राह्मण देव ने स्वीकार कर लिया, कहा चलो अब मुझे दक्षिणा दीजिए। तो काशी नगरी को राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य को छोड़ करके दान में दे करके और जैसे ही चल दिए, तब नगर निवासी ने देखा तो पास आकर के रो रो करके कहने लगे, महाराज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भैया अब ये मेरा राज नहीं रहा, मैं राज दान में इस ब्राह्मण को दे चुका हूं, अब तो तुम्हारा राजा ये है। आज अयोध्यापुरी को प्रणाम किया है और प्रणाम करते हुए और कहा कि पावन माटी को प्रणाम ये कर रहे, पावन माटी को प्रणाम अब कर रहे, छोड़ करके जा रही हो, देख कर सभी प्रजा अब रो रहे, पावन माटी को प्रणाम कर जा रहे, पावन माटी को प्रणाम कर जा रहे। महाराज हरिश्चंद्र देखते हैं अपनी पावन माटी अयोध्या को प्रणाम किया और कहा छूटा मेरा अन्न जलया आज से, छूटा मेरा अन्न जलया आज से, कर कमल बंदन वहां पर कर रहे, कर कमल बंदन वहां पर कर रहे, प्रजा के पास ही सभी अब रो रहे। हे महाराज
जैसे ही प्रणाम किया और पावन माटी अयोध्या को प्रणाम करते हुए और यह देखते हुए और राजा हरिश्चंद रानी तारा रोहतास देखते हुए और एकदम से ब्राह्मण देव के साथ तीनों निकल चुके। लेकिन जैसे ही चलते हैं तो ब्राह्मण देव कहते हैं राजा हरिश्चंद जल्दी चलो, देर मत लगाओ, जल्दी चलिए। तब तक रोहतास पे चला नहीं जाता, एकदम से गिर पड़ा और जैसे ही देखा तो रानी तारा पीछे थी। रानी तारा ने कहा महाराज अरे देखो तो सही, अपना पुत्र पड़ा है प्यास के मारे, इसको प्यास लगी है। और ये देखते हुए और रानी तारा ने कहा महाराज किस सयाने का छाया मेरे से ताले ये राजा ने का छाया मेरे से ताले पानी पी के रे प्यास भो जाए ले देखो महाराज अरे रोहतास को प्यास लगी है, प्यास की वजह से जमीन पर गिर पड़ा है, क्या करूं। तो भक्तों राजा हरिश्चंद कहने लगे देखो रानी चाहे तुम मर जाओ चाहे हमारा पुत्र, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र तब तक हाथ में कमंडल लेकर के आ गए और हरिश्चंद्र से बोले पानी पी लो, अपने बच्चे को पानी पिला दो। जब इतना सुना है तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं तो नहीं पी सकता, अगर हमारा बालक पीना चाहे तो आप इसको पिला दीजिए। तब विश्वामित्र रोहतास के पास आए और रोहतास के पास आकर के कहा बेटा आप पानी पी लो। जब इतना कहा तो एकदम से रोहतास बैठ गया। तब देखा कि रोय के रोहित ने जवाब दिया कि आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी ना हमको दिखलाओ, हम खुद ही पानी पानी है। रोहित ने जवाब दिया विप्रदेव क्या हमें दिखाते हो बार बार पानी, अपने धर्म से हम डिगने वाले नहीं है, जब तक आपका कर्ज नहीं चुकेगा तब तक हम पानी नहीं पी सकते। कि रोय के रोहित जवाब दिया कि आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी ना हमको दिखलाओ, हम खुद ही पानी पानी है। पानी ना हमको दिखलाओ, हम खुद ही पानी पानी।
जब तक हम आपके कर्ज को नहीं चुका देंगे तब तक पानी नहीं पीऊंगा मैं। विश्वामित्र ने कहा तो चल मेरे साथ, फिर क्यों पड़ा इस जमीन पर, खड़ा हो जा। रोहताश खड़े हो गए, तीनों प्राणी चल पड़े। रानी तारावती देखने लगी, पता नहीं कितनी दूर है काशी नगरी, कैसे चले। पसीना को बार बार पहुंचती है, चला नहीं जाता, क्या करें। और बोली कि कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, जल्दी आमन दे मुझे देखन दे, हमें देखन दे, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, जल्दी आमन दे मुझे देखन दे, मुझे देखन दे, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया। कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, जल्दी आमन दे मुझे देखन दे, मुझे देखन दे। देखा तो एकदम से चल रहे हैं। रानी तारा कहती है कितनी दूर है, जब इतना कहा का हम तो चल चल कर परेशान हो गए, क्या करें। कि हारे पच पच मुनि जी कट गया उनका जाल, एकदम से कहन लगे सो करके आंखें लाल, चलो देर क्यों कर रहे गुस्सा रहे चढ़ाए, तीनों को लेके चल दिए सो काशी पहुंचे आए। आज भक्तों काशी में जैसे ही पाम रखा है तो सामने भगवान शंकर का मंदिर नजर आया। महाराज हरिचंद कहने लगे हैं मुनिवर ये जगह कितनी सुंदर है, और यहीं से आप आवाज लगा दीजिए, हमारा जो भी कोई ग्राहक होगा वो इस मंदिर पर आ जाएगा। तो क्या हुआ भक्तों, जब इतना कहा
और कहने लगे, देख करके, अरे काशी के बीच बाजार रे, हम मुनि परची करे पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाई रे। मुनि विश्वामित्र जी आवाज लगा रहे हैं, कोई इनको लेने वाला है क्या? कोई लेने वाला है तो मेरे पास आइए। अरे काशी के बीच बाजार रे, मुनि पर रहे पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाई। और जैसे ही विश्वामित्र ये आवाज लगाने लगे, अरे सुन करे आवाज मुनि की, नगर निवासी आ गए, देखो रूप कुमार रानी को आपस में मतरा रहे, जैसे ही देखा बस होता है लहचार रे, बहुत होता है लहचार रे, सब ही तरस विचार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाई रे। दौड़ करके आने लगे और देखने लगे हैं, अरे दौड़ी दौड़ी बेटिया आई, औरत को मैं ले लूंगी, दौड़ी दौड़ी बेटिया आई, औरत को मैं ले लूंगी, जो कछु मांगा सब कुछ तुमको दे दूंगी, और जैसे ही रानी ने देखा, रानी कहे ओ चार रे, क्यों रूठे कर तार रे, रानी कहे ओ चार रे, क्यों रूठे कर तार रे, है कोई इनको के बीच बाजार रे, मुनि पर रहे पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाई रे, है कोई इनको लेने वाला दैया बाज लगाई रे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, जो वेश्या को देखा तो सुनकर के दौड़ती हुई आई और आकर के कहा, देखो इसे तो मैं ले लूंगी। जब इधर में रानी तारा ने सुना तो डर गई और प्रभु से डोर लगाई, है प्रभु
मेरे ऊपर कृपा करो, कैसे भी करके मेरे सत्य को बचाइए, ये बेशिया है। तो भक्तो आज सत्य के ही कारण राजा हरिश्चंद्र यहां खड़े हुए हैं और सत्य ही के कारण ने अपना राजपाट दान में दे दिया। तो आज सत्य देव ही और ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के और चलकर आ गए और आकर के मुनि जी से बोले, इस बेस्या को मन दीजिए। और क्या हुआ, क्यों? तब कहा, देखो अरे बेस्या को क्यों दे रहे हो? तब कहने लगे, एकदम से बोले, क्यों खोटा कर्म करो विप्र, क्यों बदनामी कर पाते हो? धर्म की इसी बात से बड़ा तुम लग पाते हो, अभी तो तुम सतयुग को देखो, कलयुग क्यों बनाते हो? करो विप्र, क्यों बदनामी करवाते हो? इतने शब्द सत्यदेव ने कहा ब्राह्मण के स्वरूप में, तो तारापती को 20 भार सोना लेकर के ब्राह्मण देव को बेच दिया। इधर में तारापति कहने लगी, हे विप्रदेव, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये माँ के बगैर कैसे रहेगा? अगर आपकी इच्छा हो तो इसको भी मेरे साथ ले लो। तो एकदम से ब्राह्मण देव ने कहा, क्यों नहीं, ठीक है, बोलो इसका क्या दाम है? तब कहा 20 भार सोना। तब 20 भार सोना देकर के पुत्र रोताश को भी खरीद लिया। इधर में रह जाते हैं राजा हरिश्चंद्र जी। तो हरिश्चंद्र जी ने दौर भगवान से लगाई, हे विदाता, मेरे पुत्र रानी दोनों बिक चुके हैं, मैं अकेला रह गया, न जाने कौन मेरा खरीदार होगा, पता नहीं। जब तक इतना सुना तो धर्मराज कालू वाल्मीकि जी के भेष में आ जाते हैं और आकर के क्या हुआ, काहे मुनिवर, एक पुरुष को बेचना चाहते हो? बोले हाँ। कि जो इस नर की है तुम्हें लेने की धरकार,
भी सुभार स्वर्ण अभी तो देना करे यवार। देखो मुझे 20 भार सोना चाहिए। कहा सुनो इससे कमती नहीं लूंगा। तब कालू ने कहा चिंता मत करो मैं अभी लेकर के आता हूं। कालू 20 भार सोना लेकर के आया और एकदम से राजा हरिश्चंद्र को ले लिया। जैसे ही लेकर के चले हैं तीनों बिछुड़ते हैं यहां तो रानी तारा ने ब्राह्मण देव से कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा बात करना चाहती हूं। ब्राह्मण देव ने कहा हां कीजिए ना। तो एकदम से रानी तारा राजा हरिश्चंद्र के पास आ गई और आकर के कहा कि चरण कमल की आज से सेवा छूटी नाथ, आज पुत्र आयश मिले जाहु पिप्र के साथ। हे प्राणनाथ मैं अपने स्वामी के साथ जा रही हूं मुझे आज्ञा दीजिए। जब इतना कहा मैं जाऊं पिप्र के साथ आज्ञा मोई दीजिए। अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। शब्दों से कहा देखो मैं जाती हूं। तब कहा रानी प्रिय आप जाइए और जब इतने शब्द सुने हैं तो एकदम से रानी तारा ने कहा महाराज देखो मैं अपने सत्य को अवश्य निभाऊंगी। मैं विप्रदेव के साथ जा रही हूं लेकिन महाराज देखो मैं ये कहती हूं कि आप अपने सत्य को कैसे क्या करोगे। तो देखिए जब इतना कहा तब देख करके और राजा हरिश्चंद्र ने कहा तुम चिंता मत करो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा अवश्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे आप चिंता मत कीजिए। बंधु हरिश्चंद्र रोने लगे। तब रोदास बीच में खड़ा है कभी पिताजी की ओर देखता है कभी मां की ओर सोचने लगा भगवान मैं किधर जाऊं। एकदम से देखा और देख करके झपट करके चरणों में लेट गया और बोला पिताजी हे पिताजी दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूं। लीजिए चरणों में सर झुकाता हूं क्षमा अपराध अपने आप से कराता हूं। क्षमा अपराध अपने आप से कराता हूं। और कहा पिताजी सुनो पर बस मुझे क्या किया मैंने कुछ बदल दिया छोड़कर आपकी सेवा समय से जाता हूँ। छोड़कर आपकी सेवा समय से जाता हूँ। और कहा दर्दों
दर्द और रंज के टुकड़े भरे सुनाते हो। हे पिताजी, मेरे रक्त जिगर क्यों मुझको रुलाते हो, मेरे रक्त जिगर क्यों मुझको रुलाते हो। और कहा देखो, नहीं टलता है शाम का लिखा मुकद्दर का, नहीं टलता लिखा कभी या मुकद्दर का। और बेटा सुनो, क्यों अशकने नौशे तुम या बहाते हो, क्यों अशकने नौशे तुम या बहाते हो। दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ, दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ। जैसे ही देखा तो प्रणाम किया पिताजी के चरणों में, और प्रणाम करते हुए और कहा, पिताजी मेरी तरफ देखिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रोहतास मुझे क्यों रुलाते हो, आप जाइए, ये तो जो भी किया है वो सब कुछ उसी की देन है। या तीनों प्राणी किस प्रकार से गए कि तीनों प्राणी इस कदर करिया पस में बात, कालू संग राजा गए सो रानी ध्वज के साथ। आज बंधु ब्राह्मण के साथ तारा और रोहतास दोनों चले गए। इधर कालू आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को लेकर के इधर से पहुंचे हैं तो क्या बोले, चांडाल हूं मैं मगर है ऊंच नीच का ज्ञान, बिगने ना तू हरिया सो शक्ति धर्म ईमान। चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारा ईमान धर्म नहीं डिगने दूंगा, भैया मैं सब कुछ जानता हूं। तब कहा, शक्ति धर्म ये नहीं डिगे, सच मानिए मेरी कहन को, एक घाट सुर मरगट का है हरिया तुम्हारे बहन को या आप रहे हो। और जैसे ही ये मुर्दा घाट है तुम्हारे रहने के लिए है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, या जो भी कोई आवे बिगर करकट का लिए किसी को दाग क्रिया मत करने देना। जब इतना कहा और बोले, देखो ये दुकान है, या अपने खाने पीने के लिए सामान आप ले लिया करो, लेकिन जब तक मेरी घरवाली बीमार है तब तक तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? एक गड़ा पानी का भर के गंगा जी से लाना होगा। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र रहने लगे। इधर क्या हुआ कि दशकत कर हरिश्चंद्र ने और शतुआलय उठाए, गंगा जी के घाट पे सो भोजन रहे बनाए। जैसे ही देखा तो एकदम से भोजन को बनाया, और देखते बनाने लगे तब तक एकदम से विश्वामित्र दारिद्री का भेष लेकर के और चल करके आ जाते हैं। कहा है, अन्नदाता मैं कितने दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ दे दीजिए, इस गरीब की क्या कोई सुनने वाला नहीं। तब यह देख करके वो भोजन और उनको दे दिया। जैसे ही भोजन खा लिया तब महाराज तीन चार दिन उन्होंने ऐसा ही किया, रोज भेष बदल करके आ जाते थे, भोजन बनाते अपने लिए राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वो खा करके चले जाते तो राजा हरिश्चंद्र ने भोजन लाना ही बंद कर दिया, क्योंकि विश्वामित्र भेष बदल करके आते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया भक्तों, तो क्या हुआ, एकदम से देखा और देख करके, अरे 60 दिन गए हैं
आपत पड़ी, हाय हाय हरिचंद से राजा पर। हाँ कितनी आफत पड़ी यहाँ और हरिचंद से राजा पे, बिना अन्न जल के शरीर कमजोर हो गया। जल भरने के लिए राजा हरिचंद गए, शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन जैसे ही कड़ा को लेकर के गए तो जाकर के जल में डुबोया, कड़ा को भर लिया, लेकिन महाराज कड़ा को उठा नहीं पा रहे, क्योंकि काफी समय हो गया। तब देख करके और रो पड़े, अरे कड़ा प्यार किला फूटी फूटी की रोयो रे, अरे कड़ा प्यार किला सीसा भूपा फिर फूटी फूटी के रोयो रे। अरे कौन जन्म के पापा तो काज आई जन्म में घेरो रे, और कहा सब घर से आई ना तो छूटो मेरी छूटी गई रजतानी रे। अरे देह की कुदिशा भई आज पे जानू न गड़ा तो पानी रे, नजर घुमाई भूपने तारा बड़ी लखाई रे। देखी नजर घुमाई भूपने तारा बड़ी लखाई रे, उसी समय विप्रदेव ने और रानी तारा को भी जल लेने के लिए भेजा था, लेकिन राजा हरिचंद गड़ा को नहीं उठा पा रहे, क्यों इतना दुबला पतला सा शरीर है। रानी तारा का आना हुआ तो एकदम से आकर के खड़ी हो गई। तब राजा हरिचंद ने कहा, रानी तारा ऐसा है तुम थोड़ा सा सहारा लगा दो मेरा गड़ा उठ जाए। जब इतना कहा तो रानी तारा बोली, अच्छा। राजा हरिचंद ने कहा, रानी ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जला की भारी रे, प्यारी उठवाए दे गगरिया मेरी जला की भारी। गगरिया मेरी जल की भरी हो,
चले गगरिया मेरी चले की भरी और राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा हे प्रिय मैं उठा नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा सहारा लगा दो ना मेरा शरीर कमजोर हो गया क्यों अरे 60 दिन ना मोए है गए रानी अन्न मिलो नहीं पानी अरे 60 दिन ना मोए है गए रानी अन्न मिलो नहीं पानी और पैदल चलो ना हम पे जावे काया सब पुर जानी चलत मैं दुख है मेरी कमरिया रानी चल की भरी चलत मैं दुख है मेरी कमरिया रानी चल की भरी कहा रानी थोड़ा सहारा लगा दो मैं उठा नहीं पा रहा हूं जब इतना कहा तो तारा ने कहा देखो मैं जल भरने के लिए आई हूं मुझे जल लेकर के विप्र के घर जाना है ब्राह्मण देव के यहां जाना है और तुम देखो कालू मेहतर के नौकर हो इसलिए मैं सहारा नहीं लगा सकती अगर मैं सहारा लगाऊंगी तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा इसलिए आप उठा लीजिए लेकिन एक बात बता सकती हूं मैं और बोली रानी तारा सुनो के ये मोह पे ना धर्म बिगाड़ और जाई पंडित को चल भरने आई आप अंदर थोड़े जल में और घुस जाओ और जाकर के आप गड़ा को उठा लीजिए जैसे ही महाराज जल के अंदर गए और जैसे ही जल के अंदर गए तब तक रानी तारा ने अपने गड़ा को भरा और उठाया और एकदम से चल पड़ी कि रानी भर के नीरज चली धरती भवन को आई उत जल में दस के लीनो रे हाय रब ने गड़ा उठाई जल में दर के लीनो रे हाय रब ने गड़ा
ससे गड़ा रे की फूटो भैया जाई पड़ोसी ससे गड़ा रे की फूटो भैया जाई जब राजा हरिशंक गड़ा भर के चलते हैं पैर में ठेवर लग जाती है और गिर पड़ते हैं गड़ा फूट गया। आज खाली हाथ आकर के कालू से कहा हे मालिक मेरे द्वारा और तुम्हारा गड़ा फूट गया। कालू ने बहुत बुरा भला कहा लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। कालू ने कहा तुमने खाका करके कितना कर्जा कर लिया है हैं? और तुम मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो। मैं क्या करूं क्या दूं तुम्हें मैं जब कितना कहा एक काम तुम्हें दिया था वो भी तुमने ठीक नहीं किया वो भी गड़े को फोड़ दिया तुमने। लेकिन राजा हरिश्चंद्र शांत भाव से खड़े हुए हैं। तब तक शेठ जी चलकर के आ गए और आकर के कहा कालू क्यों डांट रहा है इसको अरे बेचारा गरीब है क्यों परेशान कर रहा है। तब जब इतना कहा तब कहा देखो मेरे याशे तो इसने कुछ नहीं लिया। तब कालू ने सोचा अभी तक ये भूखा है क्या कब मेरे या इसका कोई हिसाब नहीं है कुछ लेता ही नहीं है। जब इतना देखा तब देख करके कहा देखो प्रभु मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने इसको कितना डांटा है और कहा देखो आज से तुम मरगट के बासी रहोगे जाओ कर का टका लेकर के और दाह क्रिया वहां पर कर देना। कोई भी चल कर के आए बिना कर का टका लिए किसी को दाह क्रिया मत करने देना। जब इतना कहा तब कहा ठीक है। जब ये देखते हुए और महाराज इधर में सुबह हुआ तो फूल लेने का काम रोहताश का था। पंडित जी ने कहा बेटा रोहताश फूल लेने के लिए जाइए। तब रोहताश आज डलिया को हाथ में लेकर के और फूल लेने के लिए बगीचे में गए और जैसे ही बगीचे में देख रहे हैं पुष्पों को तोड़ रहे हैं और देखा अरे डलिया सुत ने हाथ उठाई और फूल बगिया में सुत गयो आई और तनिक न करी अबार रे बाबगिया में घूमत डोले छोना राज कुमार रे और जैसे ही फूलों को तोड़ रहे हैं ये दुबको बैठो फूल के अंदर वन के शर्प जलैया है दुबको बैठो फूल के अंदर वन के शर्प जलैया है और खायो लालया चुकारे ने तेरे मैया ही मैया है खायो लालया चुकारे ने तेरे मैया ही मैया है और
और खाई धरनी पछ्यार रे बाबगिया में घूमत डोले छोना राजकुमार रे जैसे ही रोहतास ने फूल के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र जी शर्प का स्वरूप लेकर के डाली में छुप गए और जब रोहित ने फूल तोड़ा तो फुसकार मार करके आज खा लेते हैं और क्या हुआ ये तारा विप्र को रूप के मुनि वर तुरत नगर में आयो है ये तारो विप्र को रूप मुनि वर तुरत नगर में आई गयो अब कौतुकिया को लाल बाग में हाय कारे ने खाई लयो कौतुकिया को लाल बाग में हाय कारे ने खाई लयो और चेर पदन में पूरो छायो तन मन में जे गए समायो जहर बदन में पूरो छायो तन मन में जे गयो समायो बोले बचन यो चार रे कौतुकिया को लाल बाग ने लयो कारे ने खाए रे जैसे ही पिप्र का रूप लेकर के और आकर के आवाज लगाई अरे भैया किसी दुखिया का पुत्र बगीचे में गया है लेकिन देखो आज किसी कारे सर्प ने उसको डस लिया है जब इतने शब्द सुने हैं तो तारावती रोती हुई चीखती हुई फूल बाग में पहुंची भक्तों क्या देखा रोहतास को पड़ा देखा और एकदम से गोद में उठाया और जैसे ही गोद में उठाया चिल्लाने लगी कहा बेटा रोहित तू मुझे छोड़ करके चला गया बेटा रोहित और उठा करके कहा बेटा कि तू कैसी आए गई नींद लाला तेरी मैया रही थी जगाई रे लगी बगीचे में और कहा बेटा रोहतास अपनी आंखों को खोलो एक बार देखो तो सही तुम्हारी मैया तुम्हें पुकारती है बेटा बेटा रोहतास देखो तो सही अरे तरती ने कपटी चाहिए दुखिया तोई में जाई समाई रे अरे तरती
सुने कपट जैया तुकिया तोई में जाई समाई रे। अरे ओ बेटा तेरी अब मैया बगिया में भी लगाई रे। बेटा अब तेरी मैया बगिया में बिलक खाई रे। अरे तेरी मैया रही बुलाई बेटा बोल सुनाई दे रे। रोहतास को लुटा लिया और कहा बेटा ए तेरी मैया तुझे बुलाती है, आंखों को खोलो देखो। हे बेटा तेरी मैया तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी। बेटा एक बार अपनी आंखों को खोल करके देखो तो सही। बेटा रोहतास बेटा नेक अकिया खोलो के तेरी मैया रही जगाई। अखियां खोलो तेरी मैया रही जगाई। और कहा बेटा तेरी मैया तेरे बगैर कैसे रहेगी। बेटा तूने कैसी रची है विधाता, तूने कैसी रची है विधाता, सुना सुना मुझे जग दिखाता। जग दिखाता और बेटा रोहतास देखो तो सही। अब बहुत रही घबराई तेरी मैया रही जगाई।
मचाई रही पारी रुदन मचाई कैसे झेलो कुंभर की जुदाई कैसे झेलो कुंभर की जुदाई मैं चल के या पड़ियाई तेरी मैया रही जगाई बेटा नेक अखियां खोलो बेटा नेक अखियां खोलो तेरी मैया रही जगाई बेटा नेक अखियां खोलो तेरी मैया रही जगाई मैया तारावती पिल खाती है ही बेटा रोदास अपनी आंखों को खोलो ना ये तुम्हारी मैया तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी मेरा तो यही एक सहारा था ये मुझे छोड़ करके चला गया अब मैं किसके सहारे जीऊं बेटा अब किसके सहारे रहूंगी मैं बेटा खोलो ना कि तारा रोई रही के करी करी ख्याल कुमार की मैया रोई रही करी करी ख्याल कुमार की मैया बेटा रोहित और रानी तारा ने कहा बेटा ओ बेटा ने बोल सुनाए दे बोल सुनाए दे मेरे दिल को तीर बंधाए दे मेरे दिल को तीर बंधाए दे की हालत बिगड़ गई हालत बिगड़ गई कर कर ख्याल कुमार की मैया और रानी तारा कहती है ये पति ने अच्छा काम किया अपने सत्य को निभाया लेकिन मेरी तो गोद खाली हो गई अच्छो पति ने सत्य निभायो अच्छो पति ने सत्य निभायो
जहां तन से कुम्हर कमायो जहां तन से कुम्हर कमायो के खाली गोद भई बेटा रोहित के खाली गोद भई के करी करी क्या लग उम्र की मैया रानी रोई रही बेटा रोहित अपनी आंखों को खोलो ना देखो तुम्हारी मैया तुम्हें बुलाती है बेटा कि रानी रोई रही कि रानी रोई रही करे करे क्या लग तुम्हर की मैया जैसे ही देखा तो तारा रोधन करती है मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती बेटा अब मैं क्या करूं मेरा एक ही सहारा था वो मुझे छोड़ करके चला गया मैं क्या करूं तारा रोधन करती है लेकिन देखा तो इधर में विश्वामित्र आकर के कहते हैं अरे तू तारा पागल है क्या क्यों इस मिट्टी के लिए तू क्यों रो रही है इसमें कुछ नहीं जब तक तेरा था तब तक तेरे पास रहा लेकिन अब तेरा नहीं तो वो चला गया अब उसके लिए तू क्यों रो रही है जब इतना कहा तो वो दुखिया क्या कहती है क्या करूं तब कहा देखो इस मिट्टी को आप लेकर के जाइए जब इतना देखा अरे यदि साड़ी भारी माता ने लला को कफन बनायो रे ले बेटा की लाश अगारू जाने कदम बढ़ायो रे आज बेटा की चिता के काजे ही नन रही है लाई रे पहुंची जाई रे पहुंची आई रे जब राजा हरिश्चंद्र ने आज सुनी तो दौड़ करके पास आ गए आप कौन हो कहा मैं तुम्हारी रानी तारा हूं ए तुम्हारा पुत्र रोहताश है राजा ने देखा और कहा अच्छा
यहां लेकर के आई हो, क्या हो गया? का इस सर्प ने डस लिया है स्वामी, क्या करूं, कहां ले जाऊं? तब तक राजा हरिश्चंद ने जवाब दिया, देखो ऐसा है, क्रियाकर्म बाद में करना। क्यों? पहले मुझे कर का टका दो। जब तक कर का टका नहीं दोगी तब तक क्रियाकर्म नहीं हो सकता। तब रो करके रानी तारा ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? अरे ये आपका पुत्र है रोहित, मैं आपकी रानी हूं तारा। तब राजा हरिश्चंद बोले, सुनो कि कौन किसका राजा, कौन किसकी रानी, कौन किसका राजा, कौन किसकी रानी। ए दुनिया है आनी और जानी, आनी और जानी, और रानी सुन देखे क्रिया कर्म कर ले, अपने कर्तव्य का तू रानी धर्म ले, अपने पालन का अब तो रानी धर्म ले, और कहा रानी सुनो कौन मेहतारी, कौन पंडितानी, कौन किसका राजा, कौन किसकी रानी, किसका राजा, कौन किसकी रानी, कौन किसका राजा, कौन किसकी रानी। रानी कोई किसी का नहीं, सिर्फ कर का टका दो, उसके बाद क्रिया कर्म करना। रानी तारा ने देखा और कहा, देखो कि आदि शाड़ी कर में दई मन में अति घबराए, बार बार वो रोए रही सो गैया सी टकराए। जो आदि साड़ी रोहताश के ऊपर डाली और आदि साड़ी बची हुई थी वो आज कर में दे दी। अब ये देख करके और एकदम से पुत्र का क्रियाकर्म करने के बाद इधर एक मंदिर में, जो मंदिर था उसके पास आई, लेकिन कदम लड़खड़ाने लगे। और जैसे ही लड़खड़ाने लगे, कहते हैं कि पुत्र का क्रियाकर्म करने के बाद किसके सीधे पैर पड़ेंगे। लेकिन मां एक जैसे ही चल करके आई, लेकिन मंदिर में आते ही मूर्छित हो गई। तब विश्वामित्र ने अपना मौका या भी नहीं छोड़ा और काशी में जाकर के आवाज लगाई, अरे काशी वालों, देखो शमशान घाट के पास जो मंदिर है उसमें एक डायन चल करके आ गई। देखो तो सही, चिल्लाने लगे और क्या, अरे जो भी कर्म में लिखी मात के मठ में घुसी आई, अरे
जो भी कर्म में लिखी मात के मठ में घुसियाई और सुख की आए गई नींद सोए गई मंदिर मेरे जाई और सुख की आए गई नींद सोए गई मंदिर मेरे जाई अरे करी तब मुनि ने चोरी है करी तब मुनि ने चोरी है द्वे बालक लये चुराई उमरी कछु बचनी कीरे धोरी द्वे बालक लये चुराई उमरी कछु बचनी कीरे धोरी के मठ में दे डारी काट के मठ में दे डारी और गैया सी डकराई लल्ला की रोबे मेहतारी और गैया सी डकराई घुमर की रोबे मेहतारी जैसे ही देखा तो देखते हुए और पूरी काशी में हल्ला हो गया। देखो कोई डाहिन चलकर के आ गई, देखो तो सही। लेकिन जब सब काशी वाले चल के आए हैं तो मंदिर में पहुंचे, तब तक कालू आ गया और आवाज लगाई, काहे हरिया देख तो सही, तुझे पता भी नहीं है ये मंदिर में है। तब एकदम से राजा हरिश्चंद्र आए और कहा, देखो तो सही ये बच्चों को मारती है। तब राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए, अरे तेगा लेके आता क्रोध के साथ गिरायो चारी तोए दिए जाने से मारी री तू डायने है हत्यारी से मार री तू डायन है हत्यारी तो दिए जान से मार री तू डायन है हत्यारी एकदम से तेगा लिया और कहा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही देने के लिए तैयार हुए तो एकदम से आवाज हुई और जैसे ही आवाज हुई अरे जब ही अब्बा जब
कहे राजा हरिश्चंद्र, तुम मारने के लिए तैयार हो, एक कोई और नहीं, ए तुम्हारी रानी तारा है। और क्या भैया सच्चाई की विजय सदा आखिर में होती है। भैया सच्चाई की विजय सदा आखिर में होती है। हाँ भैया सच्चाई की विजय सदा आखिर में होती है। जैसे ही देखा और कहा देखो ए तुम्हारी रानी तारा है, तब ये देख करके और विश्वामित्र आ गए। कहा राजा हरिश्चंद्र, मैंने जैसा सुना था वैसे ही हो तुम, लेकिन ऐसा है किस रानी को तुम प्रहार मत कीजिए, ये तुम्हारी रानी है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मुनिवर, जब मेरे हाथों से मेरा पुत्र चला गया मैं क्या करूं। तब विश्वामित्र ने कहा देखो आवाज लगाओ। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कहा बेटा रोहताश, तब तक आवाज आई का क्या है पिताजी, दौड़ करके आ गया और एकदम से राजा हरिश्चंद्र ने हृदय से लगा लिया। या विश्वामित्र ने ये देखा और कहा देखो तुम्हारा सुयश सदा बढ़ेगा, तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने देख करके और प्रशंसा को करते हुए तब तीनों को यह मिला दिया और राजा हरिश्चंद्र की कथा को हम यही विराम देते हैं।